हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। आज जो है हम वर्कशीट करेंगे, असेसमेंट है आपका, ये असेसमेंट वर्कशीट 15th है। डेट क्या है? 25 फरवरी 2022। क्लास 9th है, 9th क्लास के लिए ये असेसमेंट वर्कशीट है। सब्जेक्ट इंग्लिश है। सो स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द स्टूडेंट क्या आ गया? आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना टीचर का नाम लिखेंगे, राइट? सो जनरल इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है? ये जो असेसमेंट है वर्कशीट बेस्ड ऑन वर्कशीट ऑफ प्रीवियस वीक, जो आपकी पिछली वर्कशीट है उसी पर ये बेस्ड है। इसमें 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 3 मार्क्स, जो ये क्वेश्चन 1 है ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन 2 to 4 कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन 2 से 4 तक आपके जो क्वेश्चन है वो 4-4 नंबर के हैं, और जो क्वेश्चन 5 है वो 5 नंबर का है, राइट? सो राइट योर आंसर इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चन। जो स्पेस प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे आपको उत्तर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड। जो ये पैराग्राफ है इसको एडिट करके नहीं दे रखा। देर इज़ वन एरर, एक एरर है, एक गलती है हर एक लाइन में। आपको उस लाइन को अंडरलाइन करना है और यहाँ पर लिखना है इनकरेक्ट, और करेक्ट इधर लिखना है, राइट? सो ओल्ड एज इज कॉल्ड सेकेंड चाइल्डहुड, बट हु मैनी ऑफ अस केयर एज मच फॉर द ओल्ड दैट वी डू फॉर द यंग। सो आपको क्या करना है, फर्स्ट में जैसे कि ओल्ड एज इज कॉल की जगह कॉल यहाँ लिखना, कोल्ड इधर लिख लेना, ठीक है? मैं नीचे दिखा देती हूँ क्या क्या आंसर है इसका। ये रहा, सो इनकरेक्ट जो मैंने अंडरलाइन किया है आपको उस इनकरेक्ट की जगह पे कॉल लिखना है, और करेक्ट की जगह पे कॉल्ड लिखना है, ठीक है? ओल्ड एज इज कॉल सेकेंड चाइल्डहुड, कॉल्ड आ जाएगा, बट हु मैनी ऑफ अस केयर एज मच, बट हाउ मैनी, हु की जगह क्या आ जाएगा, हाउ आ जाएगा। सो कॉल की जगह कॉल्ड लिखना, हु की जगह हाउ लिखना, फॉर द ओल्ड दैट दे डू फॉर द यंग, राइट? सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो आपका आंसर है, जो मैंने अंडरलाइन किया है उसकी जगह आपको ब्लू लाइन वाले वर्ड्स लिखने हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, प्रशांत अडॉप्टेड सम मेथड्स टू गिव वार्निंग टू हिज विलेजर। प्रशांत ने क्या किया था, जो आपकी स्टोरी थी स्ट्रोम वाली, उड़ीसा के अंदर जो स्ट्रोम आता है, साइक्लोन आता है, उस स्टोरी के अंदर क्या था, जो प्रशांत है वो हेल्प करना स्टार्ट करते हैं अपने लोगों का, विलेजर्स का, टू क्लीन द प्लेस एंड रीच अ सेफ प्लेस बिकॉज ऑफ द स्प्रेडिंग एपिडेमिक। व्हाट प्रिकॉशन शुड वी अडॉप्ट ड्यूरिंग द डिजास्टर? डू यू थिंक प्रशांत डिड द राइट थिंग? गिव रीजंस। 80 से 100 वर्ड्स के बीच में लिखना है। सो जो प्रशांत है, जो प्रोटैगनिस्ट है, मेन हीरो है चैप्टर का, जब साइक्लोन आ जाता है वो क्या करते हैं, जो उनके गाँव के लोग हैं उनकी हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट प्रिकॉशंस, सो हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए अगर साइक्लोन आ जाए, फ्लड आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे डिज़ास्टर में, नेचुरल डिज़ास्टर में? और डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि प्रशांत ने सही किया? गिव रीजंस, आपको इसका रीज़न देना है। सो मैंने लिखा येस, कोमा लगाना इधर, प्रशांत डिड द राइट थिंग, कि हाँ उन्होंने ये सही किया। ही टुक द इनिशिएटिव टू रिहैबिलिटेट पीपल, उन्होंने डिसीज़न लिया कि वो मदद करेंगे लोगों की। ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉलंटियर्स टू हेल्प द पीपल, उन्होंने एक टीम बनाई यंग वॉलंटियर्स की, कि जो लोगों को हेल्प करेंगे। ही परसुएडेड ग्रीफ स्ट्रिकन वीमेन टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और उन्होंने जो औरतें हैं उनको भी परस्यूट किया कि तुम छोटे बच्चों का ध्यान रखो। फिर आगे आप क्या लिखोगे कि आप होते तो आप कैसे प्रिकॉशंस, मतलब आप क्या क्या करते। सो 3 पॉइंट्स हैं ये लिख देना, 4 पॉइंट्स, आप कोई भी 3 पॉइंट्स लिख देना या चारों लिख देना, देख लेना कि कितने वर्ड्स टोटल बन रहे हैं। 100 वर्ड्स लिमिट है ना, 100 से ज़्यादा मत लिखना। तो 100 वर्ड्स अगर 3 पॉइंट में हो रहे हैं तो 3 लिख देना, 4 भी इंक्लूड है तो 4 भी कर देना। सो इन केस ऑफ साइक्लोन वी शुड प्रिपेयर एन एमरजेंसी किट, अगर साइक्लोन आ जाए तो हमें एक एमरजेंसी किट बनानी चाहिए, उसके अंदर असेंशियल आइटम्स होने चाहिए फॉर सेफ्टी एंड सर्वाइवल, राइट? नेक्स्ट है रिलाई ऑन ऑफिशियल वार्निंग, कि जो जो वार्निंग दी जा रही है ऑफिशियल्स के द्वारा, हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, जो भी आपका रेस्क्यू करने आएंगे उनकी वार्निंग्स पर रिलाई करो। ड्रिंक बॉइल्ड और क्लोरिनेटेड वाटर, उबला हुआ पानी ही पिए साइक्लोन के समय। इफ़ योर हाउस इज़ अनसेफ, अगर आपका घर ही अनसेफ है तो उसको जल्दी से जल्दी
छोड़ देना चाहिए ऑनसेट ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन आने से पहले ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्टोरी द लास्ट लीफ। सो ये जो स्टोरी है, आपने नोटिस किया होगा ये इस स्टोरी पे एक मूवी भी है जिसका नाम है, मूवी का नाम था लुटेरे, हाँ, लुटेरे मूवी जो आपने देखा होगा वो भी इसी स्टोरी पे है, द लास्ट लीफ, राइट। सो इन द स्टोरी द लास्ट लीफ, जॉन्सी थॉट दैट शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर। जॉन्सी को लगता था कि जैसे ही वो जो बेल है उस पे से जो आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो भी मर जाएगी। सो जो ऑथर हैं वो बोलते हैं, टेल अस दैट आवर पॉजिटिव थॉट्स वर्क एज अ रेमेडी फॉर आवर इलनेस, कि जो हमारे पॉजिटिव थॉट्स हैं वो एक दवाई की तरह काम करते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, हमारा दिमाग भी अच्छा रहेगा, और अगर हम अच्छा सोचेंगे और हमारा सब चीज़ अच्छा है तो अगर कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम, कोई एग्ज़ाम्स आ भी रहे हैं तो हम उसमें उसको अच्छे से उसको टैकल करेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा अच्छे से रैशनली सोचेंगे, डिसीज़न लेंगे, राइट। सो पॉजिटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और ये रेमेडी है बीमारी के लिए भी, इलनेस के लिए भी। अकॉर्डिंग टू यू, आपके हिसाब से व्हाट इज़ द रोल ऑफ योर थॉट्स इन मेकिंग योर लाइफ हैप्पी। सो आपको क्या लगता है कि जो आपके थॉट्स हैं वो कैसे मदद करते हैं आपकी लाइफ को खुश करने के लिए। 80 से 100 वर्ड्स के बीच में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि जो पॉजिटिव थिंकिंग है रेंडर्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ एज वेल एज इट लोवर स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स योर ओवरऑल वेलबींग। सो देखिए कितने फ़ायदे हैं इसके, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, ऑप्टिमिस्टिक रहोगे कि हाँ आप उम्मीद रखोगे, होप रखोगे कि कुछ अच्छा होगा, मेहनत के साथ साथ आप ऑप्टिमिस्टिक भी रहना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा अच्छा सोचे और कुछ काम और मेहनत ना करें या पढ़ाई ना करें, पढ़ाई के साथ साथ पॉजिटिव सोचना, राइट। सो पॉजिटिव थिंकिंग रेंडर्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ। अगर हम पॉजिटिव रहेंगे, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव रहेगी तो हमारी जो हेल्थ है उस पर भी अफेक्ट आएगा, हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होगा, हमारा ओवरऑल वेलबींग है वो अच्छा होगा, इम्प्रूव होगा। इवन व्हेन यू फॉल सिक, अगर आप बीमार भी हो गए तो आपकी जो बॉडी है रिक्यूपरेट्स फास्टर, इम्प्रूव, मतलब जल्दी आप रिकवर करोगे अगर आप पॉजिटिव सोचते हो, पॉजिटिव रहते हो, ठीक है। विद अ पॉजिटिव थिंकिंग यू अचीव इमोशनल बैलेंस, आप में इमोशनल बैलेंस आ जाएगा, जल्दी गुस्सा नहीं आएगा, शांत रहोगे आप, है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, विच एक्चुअली हेल्प्स द ब्रेन टू एग्जीक्यूट फंक्शंस प्रॉपरली, जो कि हेल्प करते हैं कि जो आपका ब्रेन है वो अच्छे से फंक्शन करता है जब आप पॉजिटिव रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अपने खुद के भी कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो कि जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपको सब अच्छा ही लगता है, और जब आपका दिमाग ख़राब होता है तो सारी चीज़ें आपको बेकार ही लगती हैं, राइट। सो नेक्स्ट है लव इज़ म्यूचुअल, कि जो लव है वो म्यूचुअल है, मतलब दोनों साइड से है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव। सो जो ये स्टोरी है बॉन्ड ऑफ लव, इसके रेफरेंस से लेके आपको ये लाइन पर लिखना है, लव इज़ म्यूचुअल, 80 से 100 वर्ड्स के बीच में। सो इसका आंसर है, द स्टोरी द बॉन्ड ऑफ लव इज़ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ लव बिगेट्स लव। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, इवन द एनिमल्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव। सो ये जो स्टोरी है वो एक परफेक्ट उदाहरण है कि जो जानवर हैं वो भी प्यार की भाषा समझते हैं, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ लव, दे रेस्पोंड टू लव इन इक्वल मेजर। तो वो जो जितना भी हम, जैसे अगर हमारे पेट्स हैं घर पर, डॉग है, तो अगर हम जिसको उसको जितना प्यार करेंगे वही हमें उतना वापस करेगा, तो म्यूचुअल लव है, क्योंकि जो जानवर हैं वो भी जो प्यार की भाषा है वो समझते हैं। लव इज़ म्यूचुअल, द ऑथर्स वाइफ डेवलप्स डीप अफेक्शन फॉर द पेट बियर, शी नरिशेज हिम लाइक अ चाइल्ड। सो जो लेडी हैं, ऑथर की जो वाइफ हैं, उनकी पत्नी हैं, वो डीप अफेक्शन डेवलप कर लेती हैं भालू के लिए, बियर के लिए। शी नरिशेज हिम लाइक अ चाइल्ड, जैसे वो अपने बच्चे का ध्यान रखती है वैसे ही उसका रखने लग जाती हैं, एंड टेक्स केयर ऑफ हिज नीड्स, और जो जो उसके पेट्स की ज़रूरत थी वो पूरी करती हैं। द लव गिवन टू ब्रूनो बाय द फैमिली वॉज इक्वली रेसिप्रोकेटेड बाय हिम टू। जितना लव वो उनकी फैमिली बियर को कर रही थी, उतना ही लव जो बियर था उनकी फैमिली को करने लग गया था या करता था। ही फेल्ट सैड व्हेन ही वाज सेंट टू ज़ू। सो उसको बुरा लगा जब उसको ज़ू भेज दिया गया, चिड़ियाघर। बोथ देम फ्रेटेड, दोनों, मतलब फैमिली भी और बियर भी, दोनों दुखी हो गए थे, डिडेंट टेक फूड एंड फेल्ट वेरी सैड।
सो इससे हमें लगता है कि जो लव है वो म्यूचुअल है. सो ये जो स्टोरी है वो परफेक्ट एग्जांपल है. नेक्स्ट है, यू रिसेंटली एन्जॉयड अ राइड ऑन द दिल्ली मेट्रो विद अ क्लोज फ्रेंड. आपने एक रिसेंटली एक राइड पर गए मेट्रो में आप अपने क्लोज दोस्त के साथ. द मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेट्रो में लगी हुई है, अनाउंसमेंट होना, डिस्प्ले में स्क्रीन पर आना, एडवर्टीजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है कि आज के कि आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा. और आपको मेंशन करना है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है मेट्रो ट्रेन्स के अंदर. सो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी आपको देख के फोर्स कर रही हैं टू राइट टू पेन डाउन योर एक्सपीरियंस. आपको एक्सपीरियंस लिखना है कि आप अपने दोस्त के साथ मेट्रो में गए. और क्लोज दोस्त, आप कहीं भी जा सकते हो, आप किसी मॉन्यूमेंट के वहाँ, अक्षरधाम हो गया, या किसी मार्केट में, SN मार्केट, जनपथ मार्केट, या राजीव चौक, कहीं भी आप लिख सकते हो कि आप यहाँ पर गए. और आपको स्पेशल मेंशन करना है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई है एंड द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इन द मेट्रो. और क्या डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है मेट्रो में चलने के लिए. जैसे कि अब क्या हो गया है, आप ये भी, जैसे मैंने इधर मेंशन करना भूल गई, आप ये ज़रूर मेंशन कर देना कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होता है और आपको मास्क वियर करना होता है. यू हैव टू वियर अ मास्क एंड सैनिटाइज योर हैंड एंड मेंटेन अ सोशल डिस्टेंसिंग, राइट. सो ये चीज़ें, तीन पॉइंट्स ये आप ज़रूर लिख देना, दैट मास्क इज़ कंपल्सरी, मास्क इज़ COMPULSORY कंपल्सरी. सेकेंड है सोशल डिस्टेंसिंग, ये सेकेंड पॉइंट हो गया. और तीसरा पॉइंट हो गया सैनिटाइजेशन, राइट. सो ये तीन पॉइंट ऐड कर लेना, मैं इधर लिखना भूल गई. सो डायरी एंट्री का क्या, आपको डायरी एंट्री लिखनी है 100 से 150 वर्ड्स के बीच में. सो डायरी एंट्री में आप डेट लिखोगे सबसे पहले, फिर डे लिखोगे फ्राइडे, फिर टाइम लिखोगे क्या टाइम है. डियर डायरी, कॉमा डाल के लिखना, ड्यूरिंग विंटर्स कि आप सर्दियों में, आई वेंट टू सुंदर नर्सरी कि आप सुंदर नर्सरी गए दिल्ली में, विद माय फैमिली की जगह आप क्या लिख देना, वेट अ मिनट, इसको मैं ठीक कर देती हूँ. सो आप क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग विंटर्स आई वेंट टू सुंदर नर्सरी दिल्ली विद माय फ्रेंड नेम्ड रितु. सो मैंने चेंज कर दिया है, फ्रेंड माय फैमिली की जगह फ्रेंड लिख लेना क्योंकि यही मेंशन है. सो आप क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द विंटर सर्दियों के मौसम में मैं सुंदर नर्सरी गई, एक जगह का नाम है दिल्ली में, विद माय फ्रेंड नेम्ड रितु. अपनी दोस्त का, कोई भी दोस्त का नाम लिख लेना, लड़का लड़की. आई आस्क्ड माय फ्रेंड हाउ वी वर गोइंग टू गेट देयर. सो आप पूछ रहे थे कि हम कैसे वहाँ पर जाएंगे. सो योर फ्रेंड शी रिप्लाइड कामली दैट वी वर टेकिंग द मेट्रो, कि मेट्रो से जाएंगे. वी रीच्ड द स्टेशन एंड टुक टिकट्स फ्रॉम द काउंटर. स्टेशन पे पहुँच के आपने टिकट्स ली. द डिसिप्लिन इन द टिकट काउंटर, द स्पीक एंड स्पैन सराउंडिंग, स्पीक एंड स्पैन मीन्स कि कितनी नीट एंड क्लीन थी, मतलब जो स्टेशन था वो बहुत ही नीट था, क्लीन था. एंड द सिस्टमैटिक कंप्यूटर्स वर प्रेज़वर्दी, जो कंप्यूटर्स थे, जो मशीन्स थे वो प्रेज़वर्दी थे, अच्छे से काम कर रहे थे. द डिसिप्लिन रिक्वायर्ड टू ट्रेवल इन द मेट्रो आर, जो डिसिप्लिन अब चाहिए कोविड के दौरान वो क्या है, वियरिंग द मास्क, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एंड सैनिटाइजिंग योर हैंड्स. द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन द अनाउंसमेंट सिस्टम, कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डोर्स एंड द स्पीड मेंटेनेंस फॉर स्टनिंग. आप बहुत ज़्यादा स्टन हो गए क्या देख के, जो अनाउंसमेंट सिस्टम है, कंट्रोलिंग अनाउंसमेंट, जो कोविड की जो प्रिकॉशंस हैं वो अनाउंसमेंट, कंट्रोलिंग एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर्स जो है और स्पीड मेंटेनेंस है वो बहुत स्टनिंग है, ये आपने लिखा. वी गॉट इन टू अ स्पेशियस कंपार्टमेंट एंड स्टूड एन्जॉइंग द व्यू फ्रॉम द विंडो. आप बैठ गए वहाँ पर और अपना व्यू देख रहे थे, इट वॉज स्टनिंग. वी डिबार्ड द मेट्रो एट JLN स्टेडियम एंड टुक ऑटो फ्रॉम देयर. इट वॉज अ मार्वलस विजुअल ट्रीट टू आर ट्रेवल फ्रॉम द मेट्रो. ये क्या था, मार्वलस विजुअल ट्रीट थी टू ट्रेवल फ्रॉम द मेट्रो. यहाँ पर अपना नाम लिख देंगे XYZ, जो भी आपका नाम है वो इधर मेंशन कर देना. सो इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, यहाँ पर डेट लिखेंगे, फिर डे, फिर टाइम, फिर डियर डायरी, ये आपका फॉर्मेट है, राइट. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. इसमें आप कुछ ऐड भी कर सकते हो, अपने दोस्त का नेम चेंज कर सकते हो, जगह चेंज कर सकते हो, ठीक है. फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतना, ठीक है.
सो ये आपका डायरी एंट्री कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हैव अ नाइस डे। थैंक यू।